देखो बहुत अच्छा करिए, एक घंटा मतदान को चलती हो गई है और मुझे सब जगह से फीडबैक मिल रहा है, जिस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं ने मेहनत करी और जिस तरह से जोश था, एकदम रुझान कौर से प्रति उभर के आ रहा है। निश्चित ही सुबह सुबह पता लग जाता है कि जनता का ध्यान किधर जा रहा है, जनता वोट किधर डाल रही है, निश्चित कांग्रेस जीतेगी यहाँ से। सर सामने बीजेपी मुख्यमंत्री दौरे हुए यहाँ पर लगातार और किरोड़ी लाल मीणा के भाई मैदान पे है, किस प्रकार का मुकाबला है? देखो हम 36 कौम के लोगों को साथ में लेकर के चलते हैं ना, हमने हमारी सरकार जब 5 साल थी जब नित के हमने बहुत जबरदस्त कार्य किए थे, विकास के कार्य किए थे, जन कल्याणकारी योजना हमने लागू की थी और 11 माह के अंदर बीजेपी की कार्य प्रणाली से इनकी सरकार से आम जनता दुखी थी और हमारा जो प्रत्याशी था, जो एक डेलीगेटेड कांग्रेस का प्रत्याशी था, लोकल था और जिसको प्रत्येक व्यक्ति को संपर्क में था, मैं समझता हूँ कि पूरी जनता का झुकाव हमारे प्रत्याशी तरफ, कांग्रेस की तरफ है। 32,000 वोट से जीते थे, अब क्या प्लान है, क्या आपके पूरा राजनीतिक विश्लेषण क्या कहता है? देखो आपको पता है कि मेरा, मैं करीब करीब यहाँ से 15-20 साल से पॉलिटिक्स कर रहा हूँ और मेरे को एक एक बूथ का और एक एक ग्राम पंचायत का और ऊपर तक सबका पता है, मुझे पूरा विश्वास है और मेरे वोटों से प्लस होगा। मुरलाल जी, लंबा कार्यकाल आपका 200 का रहा है, अधिकांश काम 200 विधानसभा के हो चुके, क्या मुद्दे रहे इस बार? ऐसा जो लोकल डेवलपमेंट काम थे करीब करीब हमारे अधिकतर हो गए, सबसे बड़ी दौसा में जो पानी की प्रॉब्लम थी वो भी हमारी सरकार ने स्वीकृत कर दिया था और वो काम तेजी से चल रहा है, 6,200 करोड़ का प्रोजेक्ट है, यही इसीलिए हमको जनता वोट डाल रही है। हमारा बहुत तेजी से आपको देखा होगा कि हजारों की संख्या में पाइपें पड़े हैं, लाइनें डल रही हैं, पंप हाउस बन रहे हैं, टंकियां बन रही हैं, शहर में काम चल रहा है, लेकिन इन्होंने क्या स्लो कर दिया, ये टाइम पे ठेकेदार को पेमेंट कर नहीं रहे, इस और कई ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वो काम स्लो हो गया। December 24 तक ईसरदा प्रोजेक्ट पूरा होना था लेकिन December 24 आ गया, 1 महीना बकाया, मेरे को नहीं लगता अगर अभी December 24 तक ये काम पूरा हो, इसी वजह से तो जनता इनसे परेशान है कि इन्होंने हमारे काम को या तो स्लो किया है और बंद किया है, इसलिए जनता कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेगी। इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण बात जनरल मतदाता है और ओबीसी मतदाता है, वो किस तरह? देखो हम जातिगत राजनीति बिल्कुल नहीं करते हैं, ये बीजेपी का काम है जातिगत राजनीति करना और धर्म की राजनीति करना, 36 कौम को सभी धर्मों को साथ में लेके चलने वाले हम लोग हैं और मैं समझता हूँ कि 36 कौम ही DC को वोट डाल रही है, 36 कौम ही मेरे को वोट डालती है, यही तो कारण है कि शहरी क्षेत्र में मैं हमेशा चुनाव जीतता हूँ। मैं 200 जिला मुख्यालय जहाँ पर ज़्यादातर कमजोर रहते हम लोग वहाँ चुनाव जीतता हूँ, सैंतल है, हमारे लवाण कस्बा है, नांगल कस्बा है, हमारे 4-5 कस्बा हमेशा चुनाव जीतते हैं, अभी भारी बहुमत से जीतेंगे हम। जी सात आप तो बड़े लीडर हो गए, लोकसभा 2 बार मंत्री रहे, अब लोकसभा में सात सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, 4 कांग्रेस की रही है लगातार और चारों से लोकसभा के सांसद भी कांग्रेस के बने हैं, अब क्या रणनीति है कि वापस वो सीटें कवर हो? देखो मैं कंप्लीट चुनाव मेरे यहीं पर आऊं, मेरे को फीडबैक जरूर है कि भाई हम सब जगह अच्छी स्थिति में है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि राजस्थान की 7 सीटों में हाईएस्ट वोटों से 200 की सीट जीतेगी।